ये देखिए, ये सेक रही है पकौड़िया। ये देखिए, यहाँ की भी पूजा हो गई, भगवान को फूल की होली खिला दी है। भुजिया रखी है, लड्डू खस्ता। आइए दोस्तों, सभी भाइयों को भाई दूज की थाली तैयार। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ये देखिए, अब ये वाले पेड़ में कितने फूल खिलने लगे, भरा पड़ा है पेड़। उतना ही तोड़ लेते, उतना ही देखो नीचे चढ़ जाते। अभी परसों के दिन आए थे तो इतने सारे एक तसला भर के फूल फेंके थे नीचे, जो झड़ गए थे। इसमें भी अब आने लगे एक दो फूल, गुड़हल में ये बारहमासी भी खूब खिलने लगा है। गुलाब में भी देखिए, अभी बंदन नहीं आ रहे तो एक दो तीन बौड़ी हैं, अभी इसके फूल खिलेंगे। चार बौड़ी तो पांच छः ठो हैं, लेकिन अभी मतलब जो खिलने को है वो तीन हैं। इस वाले गुलाब में भी बौड़ियाँ हैं, लेकिन बंदर आ जाएंगे तो सब खराब कर देंगे। बंदरों की वजह से परेशान रहते। एक देखो गुड़हल अंदर लगा है, ये लगा है, ये मिल गया, ये गुड़हल एक है। तो इसको तोड़े ले रहे, क्योंकि बंदर ये सारे डरा रहे, टूट गए थे एक दिन तो, अब नहीं तो बहुत खेलते अभी गुड़हल में फूल। ये देखिए, इधर पूजा की थाली रखी है, आज भाई दूज है तो शंकर जी की पूजा करने आए हैं, उनको गुलाल चढ़ाएंगे, फूल की होली खिला देंगे भगवान को। बहुत तेज़ धूप हो गई है दोस्तों, बहुत टाइम हो गया है ना, अब चलो इधर की पूजा करें फिर घर की पूजा करेंगे। ये देखिए, भोले बाबा की पूजा हो गई, होली भी खिला दी उन्हें फूल से गुलाल से। अब चलिए चलते हैं उस वाले घर। ये देखिए, यहाँ की भी पूजा हो गई, भगवान को फूल की होली खिला दी है। आज बहुत फूल लाए थे पीछे से तोड़ के, तो उसी से खिला दी भगवान को होली। देखिए जय श्री राधे श्याम जी की। प्रसाद भी लग गया है, फूलों से होली भी खेल ली भगवान ने। देखिए किस तरह लाल मुंह है भगवान का, राधा कृष्ण जी से होली खेल ली है। राम जी सीता मैया, इधर छोटे छोटे से लक्ष्मी जी गणेश जी गोपाल जी बैठे हुए हैं, इधर फोटो लगी है। चलिए दोस्तों, आप सभी को भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं, सबके भाई खुश रहे प्रभु। अब इधर चाय बन गई है तो चाय पी लें, फिर इसके बाद बनाएंगे खाना। आप देखिए अभी 11 बज गए हैं, अब सोच रहे हैं क्या बनाएं खाना में। चलिए चाय पी लें दोस्तों, बहुत तेज धूप हो जाती है। अब यहाँ बन रहा है खाना हमारा, कढ़ी बन गई, चावल बन गए, पापड़ वगैरह सिक गए, ये पकौड़िया निकाल रहे हैं बेसन की, ये आलू पालक की सब्जी बनाएंगे, और सूट फैनी के लिए ये सूट फैनी की खीर बना रहे हैं। आज खीर जरूर बनती भाई दूज के दिन, तो ये दूध रखा है तो सूट फैनी डाल देंगे तो सूट फैनी की खीर बना देंगे, क्योंकि चावल बना लिए तो चावल की खीर नहीं बना रहे। फिर इसके बाद थोड़ी सी बेसन नमक अजवाइन डाल के पूड़ियां सेक लेंगे। चलिए पकौड़िया निकाल लें, ये देखिए ये सेक रही है पकौड़िया। ये कढ़ी बन गई है, अभी इसमें डाल देंगे पकौड़ी तो फूल जाएंगी। ये चावल बन गए, ये भाजी कटी रखी है तो आलू भाजी बना देंगे, ये पापड़ वगैरह सिक गए हैं, ये दूध रखा है तो सूत पैनी बना देंगे। खाना बना दिया है, गैस वैस सब साफ हो गई है, अब जा रहे हैं नीचे, थाली लगा दी है। तो आप लोग आइए, अब भाई दूज की जो मतलब हम लोग के यहाँ जो खाना बनता है, बनती तो पूरी सब्जी, लेकिन हमने क्या है
दो तीन दिन से तेल तेल का खा रहे थे, तो आज पूड़ियाँ नहीं बनाई हैं, रोटी कढ़ी दाल चावल सब्जी बनाई है। तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं भाई दूज की थाली। ये देखिए दोस्तों, दही बड़ा है, सूत फैनी की खीर है, कढ़ी है, आलू पालक की सब्जी है, रोटियां हैं, चावल, पापड़, बिजौरे और चिप्स, ये रखी है, लड्डू, खस्ता। आइए दोस्तों, सभी भाइयों को भाई दूज की थाली तैयार है, टीका लगवा लीजिए और खाना खा लीजिए। चलिए दोस्तों, आप लोग खाना खा लीजिए आज भाई दूज का। इनको खाना खाने भेज दिया है, हम दुकान आ गए हैं। तो वह सब दुकान में ये दो ब्लाउज अभी, मतलब कपड़े तो कई आ गए हैं सिलने के लिए, लेकिन अभी ये दो ब्लाउज देना है अर्जेंट में, मतलब 2-3 तारीख तक दे रहे हैं। कस्टमर आया है अस्तर लेने। कौन से कलर का चाहिए? काला चाहिए है। 20 रुपए का है। दो छोटी छोटे बच्चे आ गए थे, अस्तर चाहिए था उनको, तो दे दिया है। तो बता रहे थे कि ये दो ब्लाउज है, मतलब 2-3 तारीख तक देना है, लेकिन हम ज़्यादा कर नहीं पाते सिलने को, तो एक दिन में सिल दें, लेकिन क्या है बहुत काम रहता है, थक भी जाते। तो अब देखिए कितना, एक तो आज सिल देंगे अगर कोई आया जाया नहीं। वैसे अब तो सुनसान रहने लगा मार्केट में, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। देख, इतनी तेज़ धूप हो रही है कि अब तो बस खाया पिया और सोने का लगता है लोगों को, लेकिन हम तो नहीं सोते, हम तो बैठे हैं अपनी दुकान में, काम करेंगे, ब्लाउज स्लाउज सिलेंगे, इसी बहाने बैठे रहते, एक आध दो आते रहते बीच बीच, मान लो तो सामान देते रहती है, चलेगा, खाना खाएंगे, थोड़ी 1-2 घंटे रेस्ट ले लेंगे, क्योंकि सुबह से वो भी बैठे रहते तो वो भी थक जाते हैं। और कस्टमर आते रहे तो कोई टेंशन नहीं रहती, मतलब कुछ भी नींद वगैरह कुछ नहीं आती। अगर कस्टमर नहीं आए तो फिर आलस आने लगती, कोई भी हो एक दम तो बैठ नहीं सकता है। तो चलिए ब्लाउज सिल लें। अभी खाना नहीं खाया हमने, क्योंकि हमने कहा था इनको थाली लगा दी कि ये खा लें, आज त्योहार को हम क्यों खाएं पहले, नहीं तो ये सो जाते तो ये बोलने लगते तुम खाए आया करो पहले, फिर आया करो नीचे। लेकिन हमने कहा नहीं, आप खाए आओ पहले, थाली लगा दी, आज त्योहार को हम नहीं खाएंगे। तो वो खाने चले गए, हमने एक आध पापड़ खा लिया, तो अब पानी पी लिया, तो अब इच्छा नहीं है, खा लेंगे 2-3 बजे तक। तो चलिए दोस्तों, ब्लाउज सिलें, फिर दिखाएंगे आप लोग को। आज दुकान से 9 बजे ऊपर आए हैं, 9 बज गए हैं ऊपर आने में, एक ब्लाउज कंप्लीट कर लिया है। क्या है, थोड़ा सा हिसाब मिलाने लगे थे, जो अभी प्लाट में काम हुआ तो बैठ के वही करने लगे, तो टाइम का पता ही नहीं चला, जब घड़ी देखी तो पता चला अरे 9 बज गए हैं। अब भगवान की संध्या आरती करेंगे, हाँ 9:45 बज गए, अब 9:45 बजे आज भगवान की संध्या आरती होगी, हाथ मुँह धुलेंगे दुकान से आए हैं। तो खाना तो रखा है, क्योंकि लेट खाया था, 2-3 बजे तो खाना खाया है हमने, अभी अम्मा आई थी, अम्मा को बुलाया था, सासू माँ को, तो उनके साथ बैठ के फिर हमने भी खाना खाया, ये 2 बजे इनने खाना खाया, तो कुछ ज़्यादा इच्छा नहीं है, थोड़ी बहुत खाएंगे, तो रखा है खाना। बर्तन वगैरह पड़े हैं, अब बर्तन वर्तन साफ करेंगे, कल आपसे बोल रहे थे ना छोले बनाएंगे या मटर मटर फुला देंगे या छोले, तो दोस्त हमने कहा था ना हमारा कोई मतलब क्लियर नहीं है कि या बोल कुछ रहे वो बना कुछ देंगे, फिर अचानक से छोले भी नहीं फुलाए, मटर भी नहीं फुलाई, हमने कहा ये बनाएंगे तो फिर उसके साथ पूड़ियाँ बनाना पड़ेंगी, पूड़ियाँ अच्छी लगती, दही रखा था तो सुबह कढ़ी बना ली पूरा, मतलब कुछ नहीं हुआ, ना छोले बने ना मटर बने, फिर दही की कढ़ी बना ली थी और पालक रखी थी, तो हमने कहा पालक खराब हो रही यार ये, तो फिर आलू पालक की सूखी सब्जी और फिर थोड़े से चावल बनाए और पूड़ियाँ सेक, सोच रहे थे बेसन का अजवाइन डाल के पूड़ियाँ सेके, फिर वो भी कैंसिल कर दी कि नहीं यार कल भी तेल का खाया, परसों खाया, आज रोटियाँ बनाएंगे, तो फिर पूरा खाना चेंज हो गया। आप लोग को बताया था कल के ब्लॉग में कि हम ये बनाएंगे छोले पूड़ी पुलाव, पूरा चेंज करके कुछ का कुछ बन गया, जिसका मतलब सोचा भी नहीं था वो खाना बन गया था। तो वही रखा है अभी, तो इस टाइम खाएंगे, ये अभी दुकान बंद करके कहीं निकल गए बैठे होंगे किसी के यहाँ, तो अभी आए नहीं है। चलिए दोस्तों, आप लोग की होली कैसी रही कमेंट करके बताइएगा। आज तो होली नहीं खेली है, आज गए थे पीछे,
तो शंकर जी को जल चढ़ाया, मतलब उनको गुलाल उलाल लगाई। हम लोग क्या गोबर से दोज रखी जाती हैं दरवाजे में, तो वो पूजी थी तो वो सूट नहीं कर पाए थे, तो नहीं किया सूट। फिर इसके बाद घर की पूजा की, खाना पीना बनाया, फिर दुकान चले गए। दुकान में बताया था ना गोल्डन कलर के ब्लाउज सिलाए, तो वो सिलाए, एक ब्लाउज कम्प्लीट हो गई, एक कल कर देंगे कम्प्लीट, कल दिखाएंगे दोनों ब्लाउज कैसी डिजाइन डाली है उसमें। फिर आप बस हिसाब मिलाने लगे। चलिए दोस्तों, अब हाथ मुँह धो लें, भगवान की आरती वगैरह करें, जब तक ये आए जा रहे। खाना पीना जो खाना होगा खाएंगे, बर्तन वर्तन धुल के रख देंगे, अगर धुलना होगा नहीं तो सुबह धुलेंगे जैसी हिम्मत पड़ गई, क्योंकि अभी। चलिए दोस्तों, यहीं से अपने ब्लॉग का एंड करते हैं। अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय दोस्तों, गुड नाइट।